हिंदू धर्म ग्रंथों की दोबारा समीक्षा होनी चाहिए। स्वार्थी लोगों ने ग्रंथों में कुछ न कुछ घुसाया। रामचरित विवाद के बीच भागवत का नया बयान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसके बाद तमाम चर्चाएं शुरू हो गईं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हिंदू धर्म ग्रंथों की दोबारा समीक्षा करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पहले ग्रंथ नहीं थे, हमारा धर्म मौखिक परंपरा के रूप में चलता आ रहा है। बाद में ग्रंथ इधर उधर हो गए और कुछ स्वार्थी लोगों ने ग्रंथ में कुछ कुछ घुसाया जो गलत है। इन ग्रंथों में परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा करने की जरूरत है। भागवत का यह बयान नागपुर के कुन होली बारा में आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क के उद्घाटन के दौरान आया है। भागवत ने इसमें आगे जोड़ते हुए कहा कि हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण था जिसके आधार पर हम चले, लेकिन विदेशी आक्रमणकर्ताओं के कारण हमारी पूरी व्यवस्था नष्ट हो गई। हमारे ज्ञान को खंडित कर दिया गया, हमारी परंपरा खंडित हो गई, हम बहुत अस्थिर हो गए थे। के लिए उपयोग करो, ये चॉइस तो हमारा है। ये चॉइस सिखाने वाला धर्म है, संतुलन देने वाला धर्म है। तो हमारा धर्म ये विज्ञान के अनुसार चलता है और विज्ञान को मनुष्य के लिए लाभकारी होने के लिए उस धर्म की आवश्यकता है, और इसलिए ये विज्ञान सामने लाना हमारी परंपराओं में, हर विषय में, दुनिया के अन्वेषण के हमारे पास हमारे पूर्वजों का किया कुछ न कुछ है। अब वो परंपरा से चलते आया, पहले हमारे यहां ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चला, बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए, फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथ में कुछ कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उन ग्रंथों की, उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। समीक्षा के बाद जो इस कसौटी पर टिकेगा कि वो विज्ञान है और धर्म है, दोनों, वो विज्ञान है और लाभकारक ज्ञान है, उससे मनुष्य जाति का लाभ हो सकता है, उसके लिए आवश्यक एक अनुशासन है, उस अनुशासन से ही तो उस विज्ञान को लोगों के सामने अपने को लाना पड़ेगा। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा बयान मोहन भागवत ने दिया हो। इससे पहले रविदास जयंती के मौके पर मुंबई में हुए एक इवेंट में भागवत ने कहा था, जाति भगवान ने नहीं बनाई बल्कि पंडितों ने बनाई, जो कि गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। हमारे समाज को बांटकर पहले देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने इसका बहुत फायदा उठाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।